नमस्कार डियर किड्स, आई होप दैट यू ऑल आर रेडी विथ योर 1B नंबर नोटबुक। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, आज से हम रिविजन करने वाले हैं और एक्स्ट्रा ग्रामर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर और उसके साथ ही हम सेकेंड चैप्टर करेंगे सेंटेंसेस। आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड सेंटेंसेस एंड यू हैव टू डू द एक्सरसाइज पोर्शन एज प्रैक्टिस होमवर्क। So, look here, what is the meaning of alphabetical order? जैसा कि मैंने बोला था कि हम सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज करेंगे, so please be patient and have concentration here only. All right, recall the order in which letter appears in the alphabets is called the alphabetical order. जिस ऑर्डर में लेटर अपेयर्स होते हैं अल्फाबेट्स में, उन सबको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। जैसे ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, देन ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ऑलराइट, और जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, वर्ड्स आर अरेंज बाय लुकिंग एट द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट लेटर। वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं? फर्स्ट लेटर को देख के। जैसे फर्स्ट लेटर सी है, यहाँ पे बी का तो कोई वर्ड है ही नहीं, सी का वर्ड है, इसलिए कैट आया, फिर डॉग आया, फिर एलिफेंट ई, फिर एफ, फिर जी। तो देख सकते हो यहाँ पे सी डी ई एफ जी ऐसे सीक्वेंस वाइज हमने लिखा। सीक्वेंसिंग में लेटर्स के हिसाब से वर्ड्स को लिखना ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। नाउ डियर किड्स, टेक आउट योर 1B नंबर नोटबुक, गिव हेडिंग चैप्टर नंबर 1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो किड्स, गिव हेडिंग चैप्टर नंबर 1 एट द टॉप इन योर नोटबुक and write it down alphabetical order and give heading extra grammar exercise। जैसा कि हम इसके पहले वाली क्लास में क्लास 2 में करते थे, वैसा ही हमें इस क्लास 3 में अपनी ग्रामर की नोटबुक में, क्लास 3 की ग्रामर की नोटबुक में ये एक्सरसाइज करनी है। ऑलराइट, एंड गिव हेडिंग अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरेंज the following words in the alphabetical order. First one is book. लिखिए अपनी अपनी notebook में, first one is book. Second is pencil. Third one is cup. Fourth is scale, scale. उसके बाद आपको 4 डैश करने हैं। बुक के नीचे एक डैश, पेंसिल के नीचे एक डैश, कप के नीचे एक डैश और स्केल के नीचे एक डैश। नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट A1। नाउ सी द आंसर्स। फर्स्ट वी विल राइट बुक एज बी कम्स फर्स्ट इन ऑल दिस वर्ड्स। बी पहले आता है, बी लेटर, इसलिए हमने बुक पहले लिखा। देन वी हैड रिटन कप, देन पेंसिल, देन लास्ट स्केल। नाउ कम टू B1। हियर B1 इज देयर। कॉर्न, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, B1 क्वेश्चन, कॉर्न, ब्रोकली, ऑनियन, मशरूम, राइट इट डाउन, कॉर्न, CORN, ब्रोकली, ऑनियन, मशरूम। Then see the answer. B पहले आता है, इसलिए I had written broccoli in this dash. Then I had written corn. B के बाद C आता है. Then I had written D E F G H I J K का कोई भी word नहीं है, direct M का ही word है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं mushroom. Then I had written onion, क्योंकि M के बाद O आता है ना, M N O. M के बाद O आता है, तो हमने ऑनियन लास्ट में लिखा है। वैसे ही देखिए C और D आपका होमवर्क है। चलिए नोटबुक में लिख लीजिए C का क्वेश्चन। फर्स्ट है पिजन, P-I-G-E-O-N, पिजन। सेकेंड है पीकॉक,
PEACOCK peacock. Third है parrot, PARROT parrot. Fourth है peasant, PHEASANT peasant. फिर 4 डैश कर दीजिए अपनी अपनी नोटबुक में, फिर डी वाला लिखते हैं. चलिए डी वाले में आपको लिखना है ब्लैक बक, BLACK ब्लैक, BUCK बक, ब्लैक बक. बैबॉन, BABOON बैबॉन. देन BUFFALO बफेलो. देन BEAR बेर. लिख लिया सबने? अब देखो ब्लैक बक, बैबॉन, बफेलो और बियर तीनों ही बी से, चारों ही बी से स्टार्ट होते हैं. आपको क्या करना है, सेकेंड लेटर देखना है. यहाँ पे एल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे ई है. तो सबसे पहले क्या आएगा, बैबॉन. फिर क्या आएगा, बेर. वैसे आपको सेकेंड लेटर देखना है. अगर सारे फर्स्ट लेटर सेम होते हैं तो आपको सेकेंड लेटर पे देखना है. सो डियर किड्स, आई होप दैट ये पूरी एक्सरसाइज आपने अपनी नोटबुक में लिख ली होगी. नहीं लिखी है सो प्लीज राइट इट डाउन. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस अगेन. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बुक, पेंसिल, कप, स्केल. एंड द आंसर्स आर बुक, कप, पेंसिल, स्केल. C1 is corn, broccoli, onion, mushroom. And the answers are broccoli, corn, mushroom, onion. The question for C is pigeon, peacock, parrot, peasant. PHEASANT. All right. एंड लीव 4 डैश. ये 4 डैश के आंसर्स आपको घर पे लिखने हैं. कम टू D1. ब्लैक बक, बैबॉन, बफेलो, बेर. BLACK ब्लैक बक, BABOON बैबॉन, BUFFALO बफेलो, BEAR बेर. एंड देन अगेन यू हैव टू लीव 4 डैश. And this two are your homework, question number C and question number D. All right, now come to chapter number 2, sentences. First I will explain you what is the meaning of sentence, then we will see the exercise portion of sentences. This is how daily hum do do chapter ki extra grammar exercise karenge aur practice karenge. All right, aise hamare sare चैप्टर्स कवर हो जाएंगे फिर से, तो एक बार और रिविजन हो जाएगा हमारा. सो सी सेंटेंस चैप्टर नंबर 2. नाउ सी सेंटेंसेस. व्हाट आर सेंटेंसेस डियर किड्स? सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, अंडरलाइन द वन दैट आर सेंटेंसेस. वन हैज बीन डन फॉर यू. ये एक्सरसाइज हमने पहले भी की है एंड वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू रिवाइज इट एज वेल. सो सी हियर, पर्पल ग्रेप्स आर द, ये कोई सेंटेंस हुआ क्या? नो. द स्ट्रॉबेरी इज वेरी स्मॉल. यस, इट इज अ सेंटेंस. द वाटरमेलन हैज सीड्स. यस, इट्स अ सेंटेंस. स्वीट द इज एप्पल. नो, इट इज नॉट इन सेंटेंस. It's not a sentence. Now see, a sentence is a group of words that make complete sense. Repeat with me. Sentence is a group of words that make complete sense. A sentence always starts with a capital letter. A sentence always starts with a capital letter. सो आपका डेफिनेशन लर्न हो गया, मीनिंग समझ में आ गया सेंटेंसेस का. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. गिव हेडिंग इन योर नोटबुक चैप्टर नंबर 2, सेंटेंसेस, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट एक्स्ट्रा ग्रामर एक्सरसाइज. लाइक दिस यू हैव टू राइट
chapter number 2 sentences and then extra grammar exercise. And then give heading, rearrange the following words to form meaningful sentences. Add a capital letter wherever needed. अब हमें क्या करना है, रीड करने हैं सारे वर्ड्स मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए. इसका मतलब है जंबल अप सेंटेंस दिए हैं, हमें उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं. और हमें ऐड क्या करना है, कैपिटल लेटर जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है. तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो. आई होप दैट आप सब ने हेडिंग डाल ली होगी, नहीं डाली है तो प्लीज डाल लीजिए हेडिंग. Rearrange the following words to form meaningful sentences. Add a capital letter wherever needed. Then full stop. Then see the first question. First question is, friends David, I and R. ये जंबल अप सेंटेंस है. आपको सबसे पहले लिखना है friends David, I and R. लिख लिया सबने. Now give a big dash, leave a big line where we are going to write the answer. And the answer is, here it is, David and I are friends. देखिए आंसर हमने कैसे लिखा. सबसे पहले नेम आया, नाउन, David and I are friends. Now B1, student Pia a good is. So the answer is, Pia is a good student. Don't forget to give the full stop over here. All right. Don't forget to give full stop here. Then come to C1. I hope ki ye dono question aapne likh liye ho answer ke saath. Chaliye ab dekhte hain C wala question. Belongs Max the to laptop. लिखिए belongs Max the to laptop. It's a jumble up sentence. What you have to do is, you have to write this sentence in a correct manner. And these questions are your homework. I'll be dictating you the questions. And after each question, leave one line. Alright. आपको हर क्वेश्चन के बाद एक एक लाइन स्किप करते जाना है जिसमें आप आंसर्स लिख सके. सी के बाद एक लाइन स्किप की, अब डी वाला लिखते हैं. मैंगोज आई ईट लाइक टू. मैंगोज आई ईट लाइक टू. देन स्किप वन लाइन. नाउ राइट इट डाउन E1. ई इज watching. सबसे पहले आपको लिखना है watching movie she a is. लिख दीजिए watching movie she a is. Yes, the answers would be she is watching movie. चलो एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया होमवर्क वाला. ऑल राइट, फिर भी आप एक स्किप कर देना लाइन यहाँ पे लिखने के लिए आंसर. Now come to F1. F is to going Jack's our house we. Write it down, to going Jack's our house we. And then leave one line like this. So these are the questions which you have to practice at your home. These are the question of sentence chapter number 2. And these are the questions of chapter number 1 which you have to practice at your home. C and D of chapter number 1
and then C to F of chapter number 2. I hope that today's lesson is effective and useful for you all. Tomorrow we will be doing chapter number 3 and chapter number 4, and I'll be sending the PDF of this answers. So don't worry, check the answers from there. And tomorrow we will be doing chapter number 3 and chapter number 4. Be ready with your notebook number 1B, that is grammar notebook. ये सारी एक्स्ट्रा ग्रामर एक्सरसाइज आपको 1B नंबर नोटबुक में ही करनी है. ऑलराइट, विद द हेडिंग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हेडिंग्स डाल के ही लिखना है आपको. ऑलराइट, चैप्टर वाइज हेडिंग एंड एक्स्ट्रा ग्रामर एक्सरसाइज हेडिंग 2. सो डियर किड्स, आई होप कि आपको सब समझ में आया हो. ना समझ में आया हो तो फील फ्री टू आस्क मी बिटवीन 5 to 7. ऑलराइट, सो दैट I'll be able to give you the answers on time. Till then, bye, take care, and thank you.